हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज जो है हमने ये स्टेम वाला तो एंड करना है, ठीक है? तो हम स्पेशल टाइप्स जो हैं स्टेम्स की देखेंगे। सम स्टेम्स आर हाईली मॉडिफाइड, दे इवन डू नॉट लुक लाइक स्टेम, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। कुछ स्टेम जो है ना वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड होती हैं, और मतलब वो इतनी मॉडिफाई होती हैं कि वो स्टेम लगती ही नहीं है, और वो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देती हैं, ठीक है? जैसे कि स्टेम टेंड्रिल्स और फाइलोक्लेड या क्लेडोड, और फाइलोक्लेड और क्लेडोड की फिर बाद में इंटरप्रिटेशन हम पढ़ेंगे, और स्टेम स्पाइंस या थॉर्न्स और थैलेमस या टोरस। तो पहले है स्टेम टेंड्रिल्स। दे आर स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड क्लाइंबिंग ऑर्गन। ये पतली धागेनुमा साखें होती हैं स्टेम टेंड्रिल्स, ये बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड क्लाइंबिंग ऑर्गन होते हैं। ये क्लाइंबिंग प्लांट जैसे कि वाइन्स, जो बेलें होती है उसमें पाए जाते हैं। ये बहुत सेंसिटिव टू टच यानी कि कॉन्टैक्ट होती हैं। ये किसी भी सपोर्ट के गिर्द ट्विन हो जाएंगे, मतलब अपने आप को सर्कुलेट कर लेंगे उसके गिर्द, और ये एक स्पाइरल क्लिप बना देंगे, स्प्रिंग जिस तरह होता है। बहुत से टेंड्रिल्स जो हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, और कुछ केसेस में वो स्केल लीव्स रखते हैं, ठीक है? तो इस सारे में हमने क्या देखा कि ये जो हमारे पास स्टेम टेंड्रिल्स हैं, ये थ्रेड हैं, और मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं, क्लाइंबिंग ऑर्गन हैं, और ये क्लाइंबिंग प्लांट जैसे कि वाइन्स में पाए जाते हैं, और ये बहुत सेंसिटिव टू कॉन्टैक्ट होते हैं। किसी भी स्पोर्ट को ये टच करेंगे तो उसके गिर्द रैप हो जाएंगे, और स्प्रिंग की तरह, जैसे स्प्रिंग होता है, ये बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होते हैं और ये स्केल लीव्स भी रखते हैं। उसके बाद है फाइलोक्लेड या क्लेडोड। कुछ ड्राई प्लांट में ट्रू लीव्स जो हैं वो स्केल के अंदर रिड्यूस हो जाते हैं ट्रांसपायरेशन से, उसे यानी कि वाटर लॉस से बचाने के लिए। उनकी स्टेम फ्लैट हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी और लीफ लाइक हो जाएगी, और उनकी स्टेम ही लीफ का काम करेगी, क्योंकि अगर लीव्स होंगे तो उससे ट्रांसपायरेशन यानी कि वाटर लॉस होगा। इस तरह के जो लीफ की तरह की स्टेम होती है उसे फाइलोक्लेड या क्लेडोट कहते हैं। जो फाइलोक्लेड और क्लेडोट होते हैं ना, ये बड़ी मिकदार में पानी स्टोर कर लेती हैं, क्योंकि ये वाटर लॉस से बच जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर लीव्स तो अब सिक्के स्केल में रिड्यूस हो चुके हैं। दे आल्सो कैरी आउट द फंक्शन ऑफ फोलिएज लीव्स। इसके अलावा ये फोलिएज लीव्स का भी ये स्टेम जो है काम करती है, और ये प्लांट को वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करेगी। तो फाइलोक्लेड या क्लेडोड में क्या होता है कि जो लीव्स होंगे ड्राई लीव्स, वो स्मॉल स्केल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर रिड्यूस हो जाएंगे, और इसके अंदर स्टेम ग्रीन हो जाएगी और वही लीव का काम करेगी, और ये सब कुछ पानी के लॉस यानी कि ट्रांसपायरेशन से प्रिवेंशन के लिए होगा। और इस केस में इनके अंदर बड़ी मिकदार में पानी स्टोर हो जाएगा, और ये लीव्स के ये स्टेम जो है फिर बाकी फॉलिएज लीव्स के काम भी करेगी, और ये पानी को कंजर्व करने में प्लांट की हेल्प करेगी। उसके बाद है फाइलोक्लेड आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन इंटरनोड। अब ये जो फाइलोक्लेड होता है ये एक से ज़्यादा इंटरनोड पर मुश्तमिल होता है, जबकि जो क्लेडोड है वो सिंगल नोड पर मुश्तमिल होगा, ठीक है? और हर फाइलोक्लेड जो है वो एक्सियल में अराइज होगा स्मॉल लीनियर स्केल लीफ के। अब स्टेम और लीफ के दरमियान जो हिस्सा होता है उसे एक्सियल कहते हैं, मतलब कि फाइलोक्लेड वहाँ से आ रहा है, लीफ गिर जाएगा तो वो एक छोटा सा निशान अपना छोड़ जाएगा। ये ओपेंटिया में पाया जाता है, ओपेंटिया छित्तर तोर, ये कोई प्लांट है, ठीक है? जो प्लांट बॉडी है ओपेंटिया की वो फ्लैट ग्रीन फ्लैशी फाइलोक्लेड पे मुश्तमिल होती है। हर फाइलोक्लेड जो है वो बड़ी मिकदार में इंटरनोड पे मुश्तमिल होगा। ये ग्रीन होते हैं और लीफ लाइक होते हैं, जैसा कि रस्कस में पाए जाते हैं। तो फाइलोक्लेड में हमने क्या देखा, एक से ज़्यादा इंटरनोड पे मुश्तमिल है। ओपेंटिया में ये इसका सीन देखने को मिलता है, और इसके अलावा ये जो है एक्सियल में अराइज होंगे, लीव जब गिर जाएगा तो वो अपना एक निशान छोड़ जाएगा, जिसे स्केल कहेंगे। और जो हमारे पास ओपेंटिया होता है वो ग्रीन फ्लैशी फाइलोक्लेड पे मुश्तमिल होता है, और हर फाइलोक्लेड के अंदर बहुत से इंटरनोड होंगी, और जो फाइलोक्लेड होते हैं वो ग्रीन होते हैं, ठीक है? फाइलोक्लेड ग्रीन होंगे और लीफ लाइक होंगे, जैसा कि र्यूकस। उसके बाद है क्लेडोड, ये एक ही नोड पर मुश्तमिल है, और ये यूफोरबिया में पाए जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास स्टेम स्पाइन या थोन। बहुत से ड्राई हॉट प्लांट जो होते हैं उसमें जो कुछ ब्रांचेस होती हैं स्टेम की, वो ग्रो करना स्टॉप कर देंगी हॉट ड्राई सीजन की वजह से। ये हार्ड हो जाएंगी और शार्प हो जाएंगी और पॉइंटेड यानी कि नुकीली हो जाएंगी। ये हम स्टेम स्पाइंस या फिर थॉर्न्स कहेंगे।
और ये प्लांट को एनिमल के अटैक से बचाएगी, और इसके अलावा ये वाटर लॉस से भी बचाएगी। और ये सिट्रस और रोज़ में पाए जाते हैं। स्टेम्स पाइन या थोन्स क्या हैं कि कुछ में ब्रांचेस हॉट ड्राई क्लाइमेट वाली जगहों पे जो प्लांट पाए जाते हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो स्टेम की ब्रांचेस होंगी ना वो पॉइंटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे हम उनके थोन्स कहेंगे या फिर स्टेम स्पाइन कहेंगे। तो ये एक तो उन्हें एनिमल से बचाएंगी और दूसरा ये ट्रांसपायरेशन यानी कि वाटर लॉस से भी बचाएंगी। और ये सिट्रस और रोज पे पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है थालेमस या फिर टोरस, जो इनलार्ज टिप होती है ना फ्लावर के स्टॉक की, ठीक है, बड़ी सी टिप होगी फूल की डंडी की, उसे हम थालेमस कहेंगे। इसके ऊपर फ्लोरल लीव्स होंगे, जैसा कि मतलब फूल के पत्ते होंगे जैसे कि सेपल पेटल। ये फ्लोरल लीव्स जो हैं ये मॉडिफाइड फोलिएज लीव्स होती हैं, ठीक है। फूल की डंडी की जो बड़ी सी टिप है उसे हम थालेमस कह रहे हैं, ठीक है। मतलब एक फूल है, उसकी डंडी है, उसकी बड़ी सी टिप थालेमस है या फिर टोरस है, और जिसके ऊपर जो है फ्लोरल लीव्स होंगे जैसे कि सेपल पेटल वगैरह, और ये फ्लोरल लीव्स जो है ये मॉडिफाइड फोलिएज लीव्स हैं। उसके बाद हम स्टेम के फंक्शन देख लेते हैं। स्टेम के ऊपर पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फ्रूट होते हैं, और स्टेम जो है उन्हें सनलाइट के आगे एक्सपोज करेगी, ठीक है। अब स्टेम के ऊपर ये सारी चीज़ें हैं, मतलब फ्लावर फ्रूट लीव, तो वो इन्हें सनलाइट के आगे एक्सपोज करेगी, तो ये फंक्शन है। और दूसरा, स्टेम पानी को कंडक्ट करती है और डिजोल्व सब्सटेंसेस को कंडक्ट करती है प्लांट के डिफरेंट पार्ट में, ठीक है, वाटर और मिनरल्स को डिफरेंट पार्ट में प्लांट के ये कंडक्ट करेगी। और कुछ स्टेम लाइक ट्यूबर राइजोम कॉर्म स्टोर करती हैं फूड को, ठीक है। स्टेम लाइक ट्यूबर जैसे कि राइजोम कॉर्म फूड को स्टोर करेंगे, और कुछ केसेस में ये लीव्स का काम भी करते हैं पानी के लॉस से पौधे को बचाने के लिए, जैसा कि फाइलोक्लेड और क्लेडोड में होता है। और सकुलेंट जो हैं वो पानी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एरिड एरियाज मतलब जो खुश्क इलाके होते हैं वहाँ पे सकुलेंट इस्तेमाल होगा वाटर को स्टोर करने के लिए। कुछ केसेस में स्टेम जो हैं वो क्लाइंबिंग के लिए इस्तेमाल होगी, ठीक है, तना क्लाइंबिंग के लिए इस्तेमाल होगी जैसे कि टेंड्रिल्स। और स्टेम थोन्स के केस में प्लांट को ग्रेजिंग एनिमल से बचाएगी, ठीक है। और इसके अलावा ये वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में भी, मतलब कि उस प्लांट की जनरेशन बढ़ाने में भी हेल्प करेगी। तो ये सारा हमारे पास एंड हो गया स्टेम वाला पोर्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।